पता नहीं कौन से जन्म की दृष्टि। तो आज हम देखने वाले हैं क्वांटम नंबर्स, ठीक है, अलग अलग प्रकार के। तो सबसे पहले तुमको एक बात याद रखनी है कि एटम का स्ट्रक्चर किस प्रकार से है। तो बीच में न्यूक्लियस है, सबको पता है, और आजू बाजू क्या है, शेल, ठीक है। फिर उनके अंदर आते हैं सब सेल्स, और सब सेल्स के अंदर आते हैं ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की मिलने, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स वहीं पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं, वहीं पे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर रहते हैं? ऑर्बिटल्स के अंदर। यहां तक समझा तुमको? यहां तक क्लियर है बात? अब हम क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। कल हमने बताया, कल मैंने तुमको बताया था कि क्या ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस तो बीच में है ना, शेल्स के अंदर है ना ऑर्बिटल। शेल तो न्यूक्लियस के आजू बाजू घूम रहा है कि नहीं? न्यूक्लियस के आजू बाजू क्या है? शेल है। एक बार क्लियर करो, अभी फिर से तुमको बना के दिखा। तुमने यहां तक 10th में पढ़ा था कि बीच में न्यूक्लियस रहता है और शेल आजू बाजू रहते हैं, ठीक है। शेल कहाँ रहते हैं? आजू बाजू, ठीक है। फिर उसके बाद तुम अभी एटम का अलग ही स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हो, ठीक है। शेल रहते हैं, शेल के अंदर रहते हैं सब शेल, और सब शेल के अंदर रहते हैं, ठीक है। यहां तक समझ गया तुमको? तो इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर ऑर्बिटल होगा क्या? ठीक है, किस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा तुम वीडियो भी देखोगे। अभी मैं तुमको ये दिखाने के बताने के बाद चार क्वांटम नंबर हम पढ़ लेंगे, उसके बाद तुमको हर एक ऑर्बिटल का शेप पढ़ाया जाएगा। उसके बाद मैं तुमको एक वीडियो भी दिखाऊंगी, एनिमेशन, जिसमें तुमको क्लियर होगा कि एटम का स्ट्रक्चर एक्चुअली में कैसा होता है, क्योंकि वो थ्री डायमेंशनल है। मैं चाह के भी नहीं बना सकती, ठीक है, और बना भी दूंगी तो तुमको समझेगा क्या थ्री डायमेंशनल? नहीं। तो वो एनिमेशन में बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चार क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है? न्यूक्लियस बीच में, आजू बाजू शेल है, उसके अंदर सब शेल है, उसके अंदर ऑर्बिटल, ये बात क्लियर है। और ऑर्बिटल यानी क्या? जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कैसी रहती है? मैक्सिमम, मैंने ज्यादातर इलेक्ट्रॉन वही रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहने की आशंका जो है वो कहाँ है? ऑर्बिटल्स में है, ठीक है। आगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी क्या? तो ये क्या भी बता रहा है? ये शेल बता रहा है, ठीक है। किस शेल से इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में हैं, वो कौन सा नंबर बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसका सिंबल क्या है? एन है, ठीक है। और ये और कुछ चीज बताता है, इट डिफाइंस डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच का क्या बता रहे हैं? वो डिस्टेंस बता रहे हैं, क्योंकि शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है और ये शेल का नंबर ही तो बता रहा है। यानी इससे पता चलेगा कि कोई न्यूक्लियस कौन से शेल से कितना दूर है, कोई इलेक्ट्रॉन कौन से शेल के से कितना दूर है, ये कौन बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको किस सिंबल से दिखाते हैं? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, और इसकी वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यानी कितने शेल होंगे? 7 शेल होंगे, और हर एक शेल का क्या, हर एक शेल को एक स्पेसिफिक सिंबल से दिखाते हैं। नंबर तो ये है, और शेल का सिंबल क्या है? KLMN OPQ, ठीक है। ये क्या है? शेल्स है, 7 शेल जो न्यूक्लियस के चारों ओर रहते हैं, ठीक है। शेल के बारे में तुमको समझा, ठीक है। तो देखो, हर एक शेल का सिंबल दिया है, और हर एक शेल का क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और यहाँ पे एक फॉर्मूला भी दिया है, जिस फॉर्मूले के हिसाब से तुम पता कर सकते हो कि हर एक शेल में एक्चुअली में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। फॉर्मूला क्या है? n स्क्वायर, यानी n का मतलब क्या है तुमको पता है? n का मतलब क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहले शेल का क्वांटम नंबर कितना है? 1। अगर तुमको इसके अंदर ऑर्बिटल्स पता करने हैं कि कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो तुम ये क्वांटम नंबर का क्या कर दोगे? स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, यानी पहले शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 1, ठीक है। दूसरा जो भी शेल है वो एल है, उसका क्वांटम नंबर कितना है? 2, ठीक है। तो उसके अंदर तुमको ऑर्बिटल पता करने, तो तुम 2 का क्या करोगे? स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो रहा है? 4, यानी एल शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। फिर तीसरा जो शेल है वो क्या है? एन। नंबर कितना है क्वांटम नंबर? 3। उसके अंदर ऑर्बिटल पता करने, तो 3 का क्या करोगे? तो 3 का स्क्वायर क्या है? ठीक है। वैसे ही चौथा शेल क्या है? एन। क्वांटम नंबर कितना है? 4। एटॉमिक ऑर्बिटल पता करना है, 4 का क्या करोगे? तो 4 का स्क्वायर कितना, ठीक है। और बोल रहा है कि जैसे जैसे तुम नीचे नीचे यानी आगे आगे जाओगे, शेल का जो साइज है वो क्या होगा? इंक्रीज होता रहेगा। के का छोटा, एल का उससे बड़ा, एम का उससे बड़ा, एन का उससे बड़ा, उसके आगे का उससे बड़ा। समझे यहां तक? हाँ। अब आगे कौन सा नंबर है? अजीमुथल क्वांटम नंबर,
इसको दूसरा नाम है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, ठीक है। और इसको कौन से सिंबल से दिखाते हैं, एल सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, पहले वाला शेल बता रहा था कि कौन से शेल से इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग करता है, ये नंबर क्या बता रहा है, इट रिप्रेजेंट सब शेल। ये क्या बता रहा है कि कौन से सब शेल से इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स कौन से सब शेल में है, ठीक है। सब शेल कितने प्रकार के वो भी तुमको यहाँ पे बताया है, ठीक है। आगे है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स भी बताएगा कि ऑर्बिटल जो भी इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल के अंदर है उसका शेप भी तुमको इस नंबर से क्या हो सकता है, पता चल सकता है, ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही है। और इसकी जितनी भी वैल्यू रहती है सबकी सब कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू रहती है, और बिटवीन जीरो टू एन माइनस वन, जीरो टू किस में है, एन माइनस वन है। जैसे प्रिंसिपल सेल के है और इसकी वैल्यू कितनी है, वन। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे के शेल है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, वन। फिर इसका अजीमुथल क्वांटम नंबर अगर तुमको पता करना है, यानी किसकी वैल्यू पता करना है, एल की पता करना है, तो ये क्या बोल रहा है, एल की वैल्यू कितनी हो सकती है, जीरो और एन माइनस वन, यानी कि ये के शेल में, ठीक है, के शेल में जो भी अजीमुथल क्वांटम नंबर होगा, ठीक है, पहला तो जीरो होगा, दिख रहा है जीरो, और दूसरा क्या होगा, एन माइनस वन। एन का मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वन, पहले शेल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, वन, यानी n के जगह तुम क्या करोगे, वन माइनस वन, यानी पहले शेल में जो भी अजीमुथल क्वांटम नंबर होगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। दूसरा कौन सा शेल है, l, ठीक है, इसके अंदर क्वांटम नंबर कितना है, टू है, कितना है, ठीक है। फिर से क्या बोल रहा है कि हर एक शेल के लिए जो भी अजीमुथल क्वांटम नंबर का नंबर होगा वो किसके किसके बीच में होगा, जीरो टू एन माइनस वन, तो पहला तो जीरो होगा, ठीक है, और दूसरा क्या है, एन माइनस वन, यानी कि एन की जगह तुम क्या पुट करोगे, टू, और टू माइनस वन कितना होगा, यानी जीरो और वन। दूसरे शेल के लिए जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है वो कितने हैं, दो है, एक जीरो है और एक क्या है, वन। फिर बोल रहा है तीसरे शेल, जब तुम एम तीसरा शेल मान रहे हो, उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, तीन, तुमको क्या निकालना है, अजीमुथल क्वांटम नंबर। तुम बोल रहे हो ये क्या बोल रहा है कि जो भी एल की वैल्यू होगी वो जीरो और एन माइनस वन के किस में होगी, बीच में होगी, ठीक है। तो पहला तो जीरो होगा, ठीक है, फिर तुम एन माइनस वन निकालोगे, एन माइनस वन यानी क्या, एन यानी क्या, थ्री, थ्री माइनस वन यानी क्या, यानी ये जो तीसरा शेल है, ठीक है, तीसरे शेल में जो L की वैल्यू होगी और जीरो और टू के बीच में जितनी वैल्यू होंगी, ये तीनों वैल्यू किसकी होंगी, L की। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, या थोड़ा डाउट है, एक बार फिर से बताती हूँ। देखो क्या बोल रहा है कि ये जो L की वैल्यू रहती है वो जीरो और किसके बीच में रहती है, एन माइनस वन। हमने पहला वैसे ही किया, एन यानी क्या, यहाँ पे एन का मतलब क्या होता है, वन। तुम अगर एन के जगह वन पुट करोगे, वन माइनस वन क्या होगा, यानी एल की वैल्यू अगर के शेल के लिए कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, एल की वैल्यू के शेल में जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कितना है, टू है, कितना है, ठीक है। फिर से तुम पहले जीरो लिखोगे, क्योंकि वो बोल रहा है जीरो और एन माइनस वन के बीच में है, इसलिए तुमको जीरो लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर एन माइनस वन, यानी एन के जगह क्या पुट करोगे तुम दूसरे शेल के लिए, टू, टू माइनस वन कितना होगा, यानी कि ये दूसरे शेल के लिए कितनी वैल्यू आएंगी, एल की दो वैल्यू आएंगी, एक जीरो आएगा और एक क्या आएगा, यहाँ तक समझा सबको। तीसरे में क्या होगा, हम तीसरा क्या ले रहे हैं, एम ले रहे हैं, ठीक है। तीसरे में पहली वैल्यू हम बोल रहे हैं कि जो भी, हर बार ये क्या बोल रहा है, जीरो और एन माइनस वन के बीच की जितनी भी वैल्यू होगी वही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो पहला तो जीरो रहेगा ही, और दूसरा एन माइनस वन, यानी एम के लिए एन कितना है, थ्री, थ्री माइनस वन कितना होता है, यानी कि ये जो तीसरे शेल में L की वैल्यू दो नंबर के बीच में, कौन से दो नंबर के बीच के नंबर रहेंगे, जीरो और टू के बीच में कौन सा नंबर है, यानी ये तीनों नंबर किसकी वैल्यू रहेगी, L की। समझ में आया। फिर वैसे ही चौथा N, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, फोर। यहाँ पे भी वही क्या बोल रहा है, अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जीरो और एन माइनस वन के बीच जितनी भी रहेंगी वही रहेंगी, ठीक है, यानी कि पहला तो जीरो रहेगा, ठीक है, और दूसरा n माइनस वन, यानी क्या, n मतलब क्या, फोर, फोर माइनस वन, यानी इस शेल के लिए, n शेल के लिए
एल की वैल्यू जीरो और थ्री के बीच में जितनी वैल्यू ये सब रहेगी। तो जीरो और थ्री में और कौन सी वैल्यू बीच में आती है जो वन और, इसलिए क्या लिखा है जीरो वन टू थ्री। समझ में आया यहाँ तक? समझ में आया? ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है। एटॉमिक ऑर्बिटल विद सेम वैल्यू ऑफ एन बट डिफरेंट वैल्यू ऑफ एल कंस्टिट्यूट सब शेल बिलोंगिंग टू शेल फॉर द गिवन एन। बोल रहा है कि ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनमें एन की वैल्यू सेम है। एन की वैल्यू कैसी है? जैसे देखो यहाँ पे अलग अलग ऑर्बिटल्स तुमको देखें, जब तुम आगे पढ़ोगे तुमको और अच्छे से क्लियर होगा। मैं पहले तुमको ये वाली लाइन पढ़ाती हूँ, ठीक है, उसके बाद इसका मीनिंग बताती हूँ। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। द सब शेल और सब लेवल्स, जो भी सब शेल से या फिर सब लेवल से, जिसको हम किससे दिखा रहे हैं एल, ठीक है, जिसके लिए एल की वैल्यू क्या है जीरो वन टू थ्री, ठीक है, उनको कौन से सिंबल से दिखाते हैं एस पी डी एफ, यानी जीरो। अगर एल की वैल्यू जीरो है तो कौन सा सब सेल है? एल की वैल्यू वन है तो कौन सा सब सेल है? एस टू है तो, और थ्री है तो, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, और इनके अंदर जो भी नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल, कोई भी शेल के अंदर सब शेल कितने होंगे, तो तुम देख लो पहले शेल के अंदर कितने सब शेल दिख रहे तुमको, लिखा है। दूसरे शेल के अंदर कितने सब शेल दिख रहे तुमको, तो कितना लिखा है। तीसरे सब शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ सब शेल दिख रहे, इसलिए क्या लिखा है। चौथे सब शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ सब शेल दिख रहे, इसलिए क्या लिखा है। यानी तुमको ये पता चल रहा है के शेल में कितने सब शेल होंगे, वो कौन सा होगा एस। एम में कितने होंगे, के एल में कितने होंगे, कौन से होंगे एस और पी। एम में कितने होंगे तीन, कौन से होंगे, और एन में कितने होंगे, कौन से, ठीक है। तो देखो अगर तुमको सब शेल दिखाना है और ऑर्बिट्स दिखाना है, दोनों चीजें दिखाना है कि कौन सा सब शेल कौन से शेल में क्या करता है, बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे दिखाना है कि ये जो एस सब शेल है वो कौन से शेल का है, के का है, तो उसको दिखाते हैं वन एस। क्या दिखाते हैं? वन एस, यानी कि पहले सब शेल, पहले शेल का एस सब शेल। समझ में आया? इस नंबर से तुमको क्या पता चलेगा कि ये जो सब शेल है वो कौन से शेल में है, ठीक है। टू एस से क्या पता चलेगा, ठीक है, ये जो एस शेल है वो कौन से, ये जो एस सब शेल है वो कौन से शेल में है। समझ में आया? फिर और क्या बोल रहा है वो, इस लाइन का मतलब क्या है, देखो सब शेल के अंदर क्या रहते हैं, ऑर्बिटल्स रहते हैं, तुमको पहले ही क्लियर किया, यानी एस सब शेल के अंदर उसके क्या रहेंगे, ऑर्बिटल्स, ठीक है। टू पी रहा यानी कौन से शेल में है वो, ठीक है। थ्री एस रहा कौन से शेल में, ठीक है, थ्री एस थ्री पी थ्री डी, ठीक है, तीनों के तीनों कौन से शेल में है, ठीक है। तो वही क्या बोल रहा है कि अगर सब शेल है, सब शेल के अंदर क्या रहते हैं, ऑर्बिटल, तो एस के अंदर एस ऑर्बिटल रहते हैं, पी के अंदर पी ऑर्बिटल और डी के अंदर, तो इस लाइन का मतलब क्या है बोल रहा है, देखो एटॉमिक ऑर्बिटल विथ सेम वैल्यू ऑफ, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनमें एन की वैल्यू कैसी है, एन की वैल्यू यानी क्या शेल की वैल्यू कैसी है, सेम है, तो उनका जो भी कंस्टिट्यूट सब शेल बिलोंगिंग टू शेल फॉर गिवन एन, वही ऑर्बिटल्स क्या बनाएंगे, सब शेल बनाएंगे जो उस शेल में होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तीसरे शेल में क्या है, एस सब शेल है, एस सब शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने ऑर्बिटल रहते हैं, ए, ठीक है। पी के अंदर कितने रहते हैं, तीन, ऐसे दिखाते हैं थ्री पी एक्स थ्री पी वाई और थ्री पी जेड, ठीक है। तो अगर ये तीनों चीजें मैंने तुमको अलग लिख के दी है, ये तीनों क्या है, अलग अलग ऑर्बिटल से क्या रहते हैं, लेकिन इस नंबर से तुमको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो तीनों ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं वो एक ही क्या है, शेल में है, और कौन सा सब शेल बना रहे हैं, पी सब शेल बना रहे, वही बात बताया है यहाँ पे कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल जिनमें एन की वैल्यू कैसी है, सेम है, ठीक है, इससे क्या पता चलता है, ये जो ऑर्बिटल्स है वो एक ही प्रकार के क्या बना रहे हैं, सब शेल, और वो एक ही प्रकार के शेल में है। समझ में आया? जैसे ये तीन दिख रहे हैं यानी वो कौन से शेल में होंगे, तीसरे, और कौन सा सब शेल बना रहे होंगे, पी, और वो पी सब शेल कौन से शेल में होगा, थर्ड में। समझ में आया? ये बता, समझ में आया ये पॉइंट?
आगे मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, तो देखो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है, यहाँ ध्यान दोगे, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो क्वांटम नंबर समझे तुमको, पहला किसके बारे में बताता है, शेल, और दूसरा अगर एटॉमिक ऑर्बिटल का एम सेम रहा यानी कि वो क्या, उसका मतलब क्या होता है कि वो सेम सबसेल बना रहे और सेम शेल में है, समझ में आया, ठीक है। आगे मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, तो ये क्या बता रहा है, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेटिव स्पेशियल ओरिएंटेशन, यानी कौन से स्पेस में, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस पे या फिर जेड एक्सिस पे कौन ऑर्बिटल कहाँ पे है, वो क्या बता रहा है, वो बताता है, ठीक है। इट डिनोटेड बाय सिंबल ML, और किससे दिखाते हैं उसको, ML से दिखाते हैं, ठीक है, ML कैन हैव एनी इंटीग्रल वैल्यू बिटवीन माइनस एल जीरो प्लस एल, ठीक है, इसकी वैल्यू इन तीनों वैल्यू के बीच में रहती है, माइनस एल जीरो और प्लस एल के बीच में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको बोल दिया, पहले ये पूरा पढ़ा लेते हैं उसके बाद समझाते हो, ठीक है, बोल रहा है फॉर एनी सबसेल, जैसे कोई भी प्रकार का सबसेल है जिसको तुम किससे दिखा रहे हो, एल से, सबसेल की वैल्यू तुम किससे दिखाते हो, एल से दिखाते हो ना, और एल की वैल्यू क्या होती है, जीरो वन टू थ्री, अभी पढ़ा ना, एल की वैल्यू क्या होती है, जीरो वन टू थ्री, जीरो किसके लिए, कौन से सबसेल के लिए, एस, और वन किसके लिए, और टू किसके लिए, और थ्री किसके लिए, ठीक है। तो कोई ऐसा सबसेल जिसको तुम इससे दिखा रहे हो इस वैल्यू से, ठीक है, तो उसकी बहुत सारी वैल्यू होती है, इस फॉर्मूले से निकलती है, 2L+1 कैसे निकलते हो मैं तुमको बताती हूँ। तो अगर तुमको पता करना है, ठीक है, कि फॉर एनी सबसेल वैल्यू ऑफ ML आर पॉसिबल गिवन, यानी कोई भी सबसेल जिसकी वैल्यू L है, तुमको क्या निकालना है, उसकी ML की वैल्यू निकालना है, तो इस फॉर्मूले से तुम क्या कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो, ऐसा वो बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम यहाँ से ही कुछ लेते हैं, जैसे कि L लेते हैं जिसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है, हमको इसके लिए किसकी वैल्यू चाहिए, ML की वैल्यू चाहिए, L की वैल्यू दी और क्या पूछ रहा है, ML निकालो, ML निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये है, ठीक है, बीच में क्या रहेगा, डाल दिया तुमने बीच में जीरो, इधर में क्या रहेगा, एल माइनस वन, एल माइनस टू, एल माइनस थ्री, जो भी है, ठीक है, तुम्हारी वैल्यू क्या है, ठीक है, करो L माइनस टू, टू माइनस टू, जीरो, फिर क्या है, L माइनस वन, यानी टू माइनस क्या होगा, उसमें और ज़्यादा माइनस कुछ कर सकते हो क्या, उसके बाद बोल रहा है डायरेक्ट L लिखना है, डायरेक्ट L क्या है तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है तुमको, इधर साइड में क्या करना है, यहाँ पे भी क्या करना है, L माइनस टू, करो टू माइनस टू क्या आएगा, जैसे का, फिर क्या करना है, L माइनस, करो टू माइनस वन, बस इसके सामने क्या लिखना है, तो माइनस वन लिख दिया, ठीक है, फिर और क्या लिख रहा है तुमको, क्या लिखना है यहाँ पे, और किसकी साइन लगाना है, यानी क्या लिखोगे तुम, समझ में आया, तो ये फॉर्मूले, या फिर ये भी जनरल, इससे भी तुम यूज करके लिख सकते हो ML की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला है कि देखो थ्री नाम का एक L इज इक्वल टू क्या है, थ्री है, ठीक है, तुमको क्या निकालना है, ML निकालना, फिर से तुम वही करोगे, बीच में क्या लिखोगे, ठीक है, फिर यहाँ L माइनस टू, L माइनस वन, और यहाँ पे L, फिर यहाँ L माइनस टू, माइनस साइन रहेगी, यहाँ L माइनस वन, माइनस साइन, और यहाँ माइनस L, ठीक है। मैं इसको नोट पे लिख के दिखाती हूँ तुमको, और अच्छे से समझेगा, जैसे L की वैल्यू है, L इज इक्वल टू क्या दिया मैंने, थ्री दिया, ठीक है, L इज इक्वल टू क्या दिया, और तुमको क्या निकालना है इसके लिए, ML निकालना, तुमको पता है क्या ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, L माइनस वन माइनस L माइनस टू, बीच में क्या रहेगा, जीरो, फिर यहाँ L माइनस टू, L माइनस वन, और यहाँ क्या है, ठीक है, तो तुम सबसे पहले क्या लिख, ऐसा भी लिख सकते हो, सबसे पहले L, L क्या है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, दूसरे इसमें क्या लिखोगे, पहले माइनस लिखोगे, L माइनस वन यानी थ्री माइनस वन, ब्रैकेट लिखने की जरूरत है क्या, ठीक है,
फिर तीसरे इसमें क्या लिखोगे, एल क्या है, थ्री माइनस टू, क्या होगा थ्री माइनस टू, माइनस वन, फिर जीरो, ठीक है, फिर एल माइनस टू क्या होगा वन, एल माइनस वन, एल यानी क्या थ्री, थ्री माइनस वन, और आखिरी में क्या लिखना है, एल जैसे का, ठीक है, यानी इंटीजर टाइप्स है, ठीक है, जैसे तुमको एल की वैल्यू दी है तीन है, तो तुम अगर ये फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते हो, ये फॉर्मूला तुम यूज नहीं करना चाहते हो, तो देखो जनरल तरीके से तुम देख सकते हो, यहाँ पे जब तुम तीन लिख रहे हो तो ये जीरो से कहाँ तक की वैल्यू आ रही है, तीन तक, अगर मैं दो लिखूंगी तो जीरो से कहाँ तक की वैल्यू आएगी, अगर मैं एक लिखूंगी तो जीरो से कहाँ तक की वैल्यू आएगी, अगर मैं जीरो लिखूंगी तो, समझ में आया, तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसा भी, ये इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, और जो यहाँ पे लिखा वही यहाँ पे माइनस डाल के यहाँ पे पटक देना है, वही किसकी वैल्यू हो जाएगी, समझ में आया तुमको, ठीक है। ठीक है, समझा, देखो इसके लिए अलग अलग सबशेल के लिए बनाया है, देखो यहाँ पे हर एक चीज एक्सप्लेन किया, फॉर एस सबशेल, यानी हम अगर एस सबशेल लेते हैं तो एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बताया है एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू क्या है, ठीक है, और हमको पता करना है कि एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, जो भी है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो एस सबशेल के लिए एल इज इक्वल टू जीरो, तो एम एल भी कितना होगा, क्योंकि एल माइनस वन करोगे आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा, अभी तुमको बताया अगर जीरो दिया तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, जीरो है, ठीक है, तो ठीक है, हेंस सबशेल कंटेन ओनली वन ऑर्बिटल, इसीलिए एस सबशेल में सिर्फ और सिर्फ कितने ऑर्बिटल रहते हैं, एक ही ऑर्बिटल रहता है, ठीक है, क्योंकि एम एल की वैल्यू कितनी है, एक ही वैल्यू है, जीरो यानी एक ही वैल्यू दी है ना, कुछ नहीं दिया ऐसा ही क्या, जीरो यानी कोई ना कोई वैल्यू है, एक ही वैल्यू है, इसलिए कितने ऑर्बिटल होंगे उसके अंदर, एक। आगे देखो पी सबशेल के लिए एल कितना है, वन, यहाँ पे पढ़े तुमने, देखो पी के लिए ये वन, वन किसके लिए है, ठीक है, तो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो मैंने बोला अगर एल इज इक्वल टू वन रहा तो बीच में जीरो लिखना है, यहाँ पे वन और यहाँ पे, अभी तो हमने डिसाइड किया था वो लंबा चौड़ा मल्ट करने से अच्छा डायरेक्ट, ठीक है, यानी कितनी वैल्यू मिल रही है तुमको, तीन वैल्यू मिल रही है, यानी पी सबशेल में कितने और ऑर्बिटल्स होंगे, समझा, वैसे ही अगर डी में करें तो डी में एल की वैल्यू कितनी है, टू, कितनी वैल्यूज मिलेगी तुम्हारे को, यानी डी सबशेल में कितने और ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, वैसे ही एफ सेल में एल की वैल्यू कितनी है, थ्री है, तो एम एल की क्या आएगी, ठीक है, कितनी वैल्यूज आ रही है, सेवन, यानी एफ सबशेल में कितने और ऑर्बिटल्स होंगे, समझ में आया, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है, देखो और बोल रहा है कि द सम ऑफ ऑर्बिटल इन अ कॉन्स्टिट्यूएंट सबसेल, ठीक है, जो भी सबसेल के अंदर जो भी ऑर्बिटल्स होंगे, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, देखो सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, वन, और ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टू, एल वन है, सबसेल कौन सा है, पी, और उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, कितने और ऑर्बिटल्स होंगे, तीन, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी एक और ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तुम बताओ, दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी तीन और ऑर्बिटल में छह। अब देखो ये लाइन क्या बता रहा है, ये एक्सप्लेन नहीं किया इसने, ठीक है, द सबशेल कंटेन सेवन ऑर्बिटल, ये तो बोला, द सम ऑफ ऑर्बिटल इन अ कॉन्स्टिट्यूएंट सबशेल गिव्स द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ कॉन्सर्न्ड सेल, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे पहला सबशेल है जिसका नाम है क्या, पहला शेल है जिसका नाम है के, इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है, कौन सा है, एस, ठीक है, दूसरा ऑर्बिटल है जिसके अंदर कितने सबशेल है, दो सबशेल है, कितने सबशेल है, एस में कितने ऑर्बिटल्स है, वन ऑर्बिटल है, और पी में कितने ऑर्बिटल है, पी में कितने ऑर्बिटल है, अभी बताए, इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रही हूं मैं, एम एल की वैल्यू कितनी थी पी के लिए, तीन, पी के अंदर तीन ऑर्बिटल है, एस के अंदर कितने हैं,
यानी टोटल एल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3+1, ये हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया था। देखो यहाँ पे वो बता रहा है कि अगर तुमको पता करना है कि कोई भी शेल में टोटल कितने क्या है ऑर्बिटल्स है, तो तुमको क्या पता करना पड़ेगा पहले कि उस सेल के अंदर कितने सब शेल है, कौन कौन से प्रकार के सब शेल है। ठीक है, तुमको पता चल गया कौन कौन से प्रकार के सब शेल है, तुमको ये भी पता है कि हर एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स है, उन सब ऑर्बिटल को तुम ज्वाइन कर लोगे तो तुमको क्या पता चले, एक्चुअली में पता चलेगा एन स्क्वायर वाला जो वैल्यू हमने निकाला था वो दोनों कैसे है, सिमिलर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको अभी भी तुम नहीं समझे, मैं तुमको अभी बताती हूँ तो तुमको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, के एल एम एन है ना, 1 2 3 4 है ना, और बोला था कि अगर हमको ऑर्बिटल जानने हैं इसके अंदर कितने ऑर्बिटल है तो हम क्या कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एन स्क्वेयर यानी 1 का स्क्वेयर 1, कितने ऑर्बिटल्स होंगे 1, यानी के शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, दूसरे इसमें कितने होंगे और तीसरे इसमें और चौथे इसमें 16। ठीक है, ये हमने सबसे पहले पढ़ा था। फिर तीसरा वाला क्या बोल रहा है, ठीक है, तीसरे वाला नंबर बता रहा है कि कितने ऑर्बिटल्स होते हैं हर एक सबशेल के अंदर। ठीक है, तो हमने जब तीसरा वाला क्वांटम नंबर पढ़ा तो हमको क्या पता चला कि एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स रहते हैं, पी सबशेल में कितने रहते हैं 3, ठीक है, डी में कितने रहते हैं और एफ में कितने रहते हैं 7। फिर जब हमने दूसरा वाला क्वांटम नंबर पढ़ा था, है ना, दूसरा वाला पढ़ा था नहीं क्या, तो उसमें ये पढ़ा था कि हर एक शेल में कितने प्रकार के क्या होते हैं सब सेल होते हैं, पढ़ा था ना कि के में सिर्फ एक प्रकार का होता है जो कौन सा है एस, एल में कितने प्रकार के होते हैं एस और पी, और एम में और एन में एस पी डी और, ठीक है, हमने ये वैल्यू डायरेक्ट निकाली थी है ना कि पहले इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, दूसरे शेल में कितने ऑर्बिटल, तीसरे शेल में कितने और चौथे शेल में। फॉर एग्जाम्पल सोचो तुम्हारे पास ये वैल्यू नहीं है, ठीक है, तुमको पता करना है कि कौन से शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, तो तुमको ये पता है कि के शेल में कौन सा सब शेल है 1, कितना कौन सा सब शेल है, हमको पता क्या करना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल, सब शेल में कितने हैं वो तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि एस सब शेल में कितने, पी में कितने, डी में कितने, और अब हमको जानना है कि कौन से शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं। हमारे पास वो फॉर्मूला नहीं है एन स्क्वायर वाला, ठीक है क्या, ठीक है, मानो वो इन्वेंट नहीं हुआ, हमको अब पता करना है कि कौन से सब सेल में कितने क्या है ऑर्बिटल। इसमें एक ही शेल है सब शेल है, के शेल में एक ही सब शेल है, और एस सब शेल में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, यानी टोटल पहले वाले शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे 1 ही होंगे, एल शेल में कितने सब शेल्स है, कितने सब शेल्स है 2 है ना, एक ऐसे और एक क्या है, एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स है और पी में कितने हैं, यानी टोटल एल शेल में कितने ऑर्बिटल्स है, समझ में आया, एम शेल में कितने सब शेल्स है 3 है, एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स है, पी में कितने हैं और डी में कितने हैं, कितने हो गए 9, यानी कि एम शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, टोटल कितने होंगे, समझ में आया, यही वैल्यू हमने एन स्क्वायर से निकाली थी, बस वही बात वो बोल रहा है। ठीक है, कि अगर कोई शेल में, ठीक है, तुमको क्या बोल रहा है कि सब शेल बता दिए गए हैं कि कोई शेल में इतने सब शेल है, ठीक है, तो तुम उन टाइप ऑफ सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स है उन सबको कैलकुलेट करके डायरेक्ट बता सकते हो कि हर एक शेल में कितने क्या होंगे ऑर्बिटल्स होंगे। समझ में आया, समझ में आया, तो देखो कितनी गंभीर लाइन दी थी है ना, कंफ्यूज करने वाली दी थी ना, समझ में आया तुमको, तो ये बात हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसा उसके कहने का मतलब है। ठीक है, वैल्यू लगभग सबकी सेम आ रही है, देखो 9 इसका भी करोगे तो वही 16 ही आएगा, करके देख लो, एन जो है शेल है इसके अंदर 4 प्रकार के सब शेल है, एस पी डी और एफ, एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल है, पी में कितने हैं और डी में कितने हैं और एफ में कितने हैं, करो प्लस
पांच और तीन आठ, आठ और आठ सोलह है, सोलह। और यहाँ पे भी कितना बता रहा था वो, ठीक है। इतना लंबा करने से अच्छा फॉर्मूले से भी तुम निकाल सकते हो दोनों की वैल्यू कैसी आएगी, सिमिलर आएगी। समझ में आया, ठीक है। ये सब चीजें तुमको याद रखना है कि कितने, कौन से सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन से शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। कौन से शेल में कितने प्रकार के सबशेल्स रहते हैं, समझ में आया। जैसे यहाँ पे दिया ना कि सबशेल में एक ही प्रकार का है, कौन सा है, एस। एल में कितने प्रकार के हैं, दो, एस और पी। और टोटल कितने ऑर्बिटल है के में, ए। एल में कितने हैं, एम में कितने हैं और एन में कितने हैं, समझ में आया। का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या आएगा, ठीक है। तो कोई तुमको पूछे कि बताओ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो तुमको क्या बताता है, क्या पता चलता है उससे, उससे हमको ऑर्बिटल पता चलता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। और जो एल जो है वो हमको क्या बताता है, नंबर ऑफ सबशेल, ठीक है। कौन से टाइप का सबशेल, कौन से शेल में कितने सबशेल होंगे, वो कौन बता रहा है, थर्ड वाला, ठीक है। और पहला वाला तो बेचारा शेल बता रहा था, तो तीनों समझे तुमको क्वांटम नंबर। चौथा एकदम इजी है, चौथा बस थोड़ी छोटी बात बता रहा है कि जो ऑर्बिटल्स के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे घूमते हैं, ठीक है। एक क्लॉकवाइज घूमता है और एक एंटी क्लॉकवाइज, वो हम अभी पढ़ेंगे। टाइम देखो कितना हो रहा है, हाँ टाइम है अभी तो। समझा तुमको, समझ में आया। और यहाँ पे बताया भी है कि हर एक सबशेल में कितने, हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो तीन ऑर्बिटल में कितने रहेंगे और नौ में कितने रहेंगे, नौ में कितने रहेंगे और पांच में कितने रहेंगे, वेरी गुड। तो नौ वाला ऑर्बिटल वाला कोई सबशेल हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर है, चौथे प्रकार का क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, देखो देखो क्या बोल रहा है, इट स्पेसिफाइज द स्पिन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। वो स्पिन बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल के अंदर है वो कैसा स्पिन करता है, कैसा घूम रहा है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल ms, किससे दिखाते हैं, ms से दिखाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैन स्पिन क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है ऑर्बिटल के अंदर, दो प्रकार से घूमता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि अगर हम रोटेशन के बारे में बात करें कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, दो, तो किसी एक इलेक्ट्रॉन का क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमने की प्रोबेबिलिटी प्लस वन बाय टू या फिर माइनस वन बाय टू हो सकती है, यानी आधी आधी हो सकती है। एक या तो क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी है, आधी आधी, एक क्लॉकवाइज घूमेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ऐसा बोल रहा हूँ वन बाय टू। तो स्पिन क्वांटम नंबर की सिर्फ दो वैल्यू रहती है, एक वन बाय टू और एक प्लस वन बाय टू और एक माइनस, प्लस क्लॉकवाइज के लिए और माइनस एंटी क्लॉकवाइज के लिए, ठीक है। फॉर क्लॉकवाइज स्पिन वैल्यू इज प्लस वन बाय टू एंड फॉर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वैल्यू इज माइनस वन बाय टू। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो रिप्रेजेंट बाय एन एरो, एरो से भी दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन का स्पिन। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं बोल रही हूँ कि एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो, और एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरे को दिखाना है, तो मैं ऐसा ऑर्बिटल बनाऊंगी और ये एरो दिखाएगा क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये एरो दिखाएगा, समझ में आया, ऐसे दिखाता है, ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है। देखो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय एरो से भी दिखाते हैं, वर्टिकल एरो पॉइंटिंग अपवर्ड रिप्रेजेंट क्लॉकवाइज स्पिन। एक वर्टिकल एरो जिसका पॉइंट कहाँ है, अपवर्ड है, वो कौन सा स्पिन दिखाएगा, क्लॉकवाइज, ये ऊपर जो दिखा, ठीक है, समझ में आया। व्हाइल वर्टिकल एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड रिप्रेजेंट एंटी क्लॉकवाइज, एरो जिसका पॉइंट कहाँ है, डाउनवर्ड है, वो कैसा स्पिन दिखाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आया, ठीक है। आगे ये भी बात बताया कि एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन, ये पहले से ही बता रही हूँ मैं कि ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है, और दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, और दोनों की स्पिन कैसी रहेगी, उल्टी। अगर सोचो एक जैसी रही तो दोनों टकरा नहीं जाएंगे, इसलिए कैसी रहती है, अपोजिट। और कितना टाइम है, देखो तो पढ़ लेते ना शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। तो अब देखते हैं कि हर एक ऑर्बिटल्स के शेप कैसे रहते हैं, ठीक है। तो देखो दिख ही रहा है कैसा है शेप एस ऑर्बिटल का,
स्फेरिकल दिख रहा है ना गोल, वही बोल रहे हैं। द मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर फॉर एस ऑर्बिटल इज जीरो। अभी पढ़ा हम लोगों ने कि एम एल जो वैल्यू रहती है एस के लिए वो कैसी रहती है, जीरो रहती है, ठीक है। एंड हेंस देयर आर ओनली वन एस ऑर्बिटल, इसलिए उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने ऑर्बिटल रहेंगे, वन, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स का नंबर बता रहा है और एस के लिए उसकी एक ही वैल्यू वो क्या है, जीरो है। इसलिए एस के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, अभी टेबल पढ़ा ना तबला, ठीक है। और ये जो एस ऑर्बिटल्स है वो कैसे रहते हैं, स्फेरिकल शेप रहते दिख रहे हैं तुमको, ठीक है। और न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एस ऑर्बिटल, ये बात क्यों बोला है, जब तुमको मैं डायग्राम दिखाऊंगी तो तुमको समझेगा। क्या बोल रहा है कि कोई भी एटम है जिसका एस ऑर्बिटल है उसके सेंटर में क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है। जबकि हमने पढ़ा न्यूक्लियस तो बीच में रहता है, राजू बाजू क्या रहते हैं, शेल। तो वो तुमको जब मैं बताऊंगी ना 3D तुमको बहुत अच्छे से समझेगा। मेरे भी मन में भी डाउट था ऐसे कैसे हो सकता है, न्यूक्लियस तो बीच में रहता है और शेल के अंदर क्या रहते हैं, सब शेल, और सब शेल के अंदर क्या रहते हैं, अब न्यूक्लियस फिर ऑर्बिटल के अंदर कैसे रह सकता है डाउट। जब मैं तुमको क्या दिखाऊंगी वहां पे एनिमेशन, तब तुम्हारा डाउट क्लियर होगा कि एक्चुअली में कैसा रहता है वो। जब जैसे हम लोगों ने अभी पहले से इमेजिन करते आ रहे ना कि ऐसा हो सकता है स्ट्रक्चर, टोटली उसका डिफरेंट अलग है, एकदम अलग, ठीक है। तुम शॉक हो जाओगे, अरे बाप रे ऐसा रहता है ऐसा, ठीक है। जब मैं तुमको दिखाऊंगी पहले हम शेप पढ़ लेते हैं, हाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, हाँ नहीं नहीं दिखता है, बहुत छोटा है ना एटम, ठीक है। तो न्यूक्लियस एस ऑर्बिटल के कहाँ रहता है, सेंटर में। ये तुमको मैं एनिमेशन दिखाऊंगी तो बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर होगा, ठीक है। द साइज ऑफ एन ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ एन, यानी एन की वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे ऑर्बिटल का साइज क्या करेगा, डिपेंड करेगा। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी ऑर्बिटल का साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस द साइज ऑफ एस ऑर्बिटल इंक्रीजेस। देखो इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा के रखा है, 4s का सबसे ज्यादा है क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल n की वैल्यू कितनी है 4 है, 3s का उससे कम है क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 2s का उससे ज्यादा कम है क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, और उसके बाद समझ में आया, ठीक है। और बोल रहा है देखो यहाँ दिख रहा है ये 1s ऑर्बिटल है, बीच वाला दिख रहा है तुमको, फिर ये 2s है उसके बाजू में दिख रहा है यहाँ, ठीक है। ये लाल कलर का जो दिख रहा है वो क्या है, 2s, ये 1s उसके बड़ा क्या है, 2s, सिर्फ 2s से बड़ा 3s, लेकिन बीच में तुमको व्हाइट व्हाइट कलर की गैप्स भी दिख रही है, दिख रही है, ठीक है। तो बोल रहा है इन बिटवीन 1s एंड 2s देयर इज अ रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। 1s और 2s ऑर्बिटल्स होते हैं, हम बोल रहे हैं कि ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस ज्यादा रहती है, ठीक है, मैक्सिमम रहती है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहे, इसके चांसेस कैसे रहते, ज्यादा रहते। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब दो ऑर्बिटल जैसे कि 1s और 2s, इन दोनों के बीच में एक ऐसा रीजन, व्हाइट कलर का रीजन दिख रहा है तुमको, ठीक है, एक ऐसा रीजन रहता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स होने की जो भी प्रोबेबिलिटी है वो एकदम कैसी रहती है, जीरो, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं क्या, नहीं रहेंगे। ऐसी जगह को हम बोलते हैं नोड, क्या कहते हैं, समझ में आया नोड क्या है। तो दो एस ऑर्बिटल के बीच में एक ऐसी जगह रहती है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है, ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो ये शेप किसका हो गया, एस का हो गया, 1s 2s 3s 4s कहता होगा बता सकते हो आप, 4s कहाँ होगा, ये 1s है, फिर नोड है, फिर क्या है 2s, फिर नोड है, फिर क्या है, फिर नोड है, फिर इसके ऊपर क्या होगा, वेरी गुड, ठीक है। अब है शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, देखो क्या मस्त दिख रहा है शेप, पी हर एक सबशेल है और सबशेल जिससे बना है वो क्या है, ऑर्बिटल, तो जाहिर सी बात है एस ऑर्बिटल से ही क्या बना होगा, एस सबसेल बना होगा, और पी ऑर्बिटल से क्या बना होगा, पी सबसेल, डी ऑर्बिटल से डी सबसेल, और एफ ऑर्बिटल से, समझ में आया। अब देखो फोर थ्री पी ऑर्बिटल, एन इज इक्वल टू टू एन, एल इज इक्वल टू वन, एम इज इक्वल टू प्लस वन, जीरो और माइनस वन, ठीक है। तो ये जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमेशा कौन से शेल में रहेंगे, दूसरे में रहेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले शेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का ऑर्बिटल है, हाँ ना, वो कौन सा है, s। तो p ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू क्या रहती है, 2, क्योंकि वो कौन से शेल में रहता है, सिर्फ दूसरे शेल में रहता है, तीसरे में भी रहेगा, चौथे में भी रहेगा, लेकिन पहले में रहेगा क्या,
ठीक है, और उसके लिए एल की वैल्यू कितनी है, वन। अभी पढ़े तुम देख लो अपने टेबल में, एल इज इक्वल टू वन रहता है, और एम इज इक्वल टू, अगर एल वन है तो एम कितना होगा, प्लस वन, जीरो और माइनस, ये बताया है। तीनों क्वांटम नंबर बता दिया कि प्रिंसिपल कौन सा रहेगा, अजीमुथल कौन सा रहेगा, मैग्नेटिक कौन सा रहेगा, तीनों बता दिया, ठीक है। और देखो इनका जो शेप है वो कैसा है, डम्बल शेप है देखो, और ये जो भी ऑर्बिटल्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, ये जो पी सबशेल कितने ऑर्बिटल्स रहते हैं, तीन, थ्री पी ऑर्बिटल्स रहते हैं, ठीक है। और देखो बोल रहे हैं कि इसमें यहाँ पे भी जो भी ऑर्बिटल्स रहेंगे उसके ओरिजिन में क्या रहेगा, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द ओरिजिन, ठीक है, न्यूक्लियस कहाँ पे रहेगा, ओरिजिन में। ये जब अच्छे से मैं तुमको बताऊंगी तब तुमको बहुत अच्छे से समझेगा, ठीक है, तो एनिमेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ऐसे में बताओगी तो पूरा खिचड़ी हो जाएगा, ठीक है। अभी तुम बस शेप्स देख लो कि कैसे शेप्स है, ठीक है, दिख रहे तुमको शेप्स, तो कैसा शेप दिख रहा है तुमको, डम्बल शेप, देखो इच पी ऑर्बिटल हैड टू लोब्स, दो लोब्स दिख रहे हैं तुमको, कितने लोब्स दिख रहे हैं, दो लोब्स, टू साइड्स ऑफ नोडल प्लेन, नोडल, ये नोडल प्लेन दिख रहा है, और इसके दो साइड में क्या दिख रहे हैं तुमको, लोब, ये भी एक प्रकार का नोडल प्लेन है, और इसमें कितने लोब दिख रहे हैं, दो, यहाँ पे भी नोडल प्लेन और दोनों के आजू बाजू क्या है, लोब है, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल के क्या होते हैं, दो लोब रहते हैं और दोनों नोडल प्लेन के आजू बाजू रहते हैं, यहाँ तक समझ में आया तुमको, ठीक है, पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस, और ये जो नोडल प्लेन है वो कहाँ से पास होता है, न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस ओरिजिन है, और ये प्लेन तुमको दिख रहा है कि ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। और बोल रहा है देखो, साइज एंड एनर्जी ऑफ डम्बल शेप थ्री पी ऑर्बिटल आर द सेम, तीन पी ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई और पी जेड, तीनों की एनर्जी हमेशा कैसी रहेगी, सेम रहेगी, और तीनों के तीनों कैसे रहेंगे, डम्बल शेप रहेंगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझा। और देखो ये जो पी एक्स पी वाई पी जेड क्यू दिया है ना, है ना, पी एक्स पी वाई पी जेड क्यू दिया है, तो इसके ऊपर भी रीजन बताया है कि हर एक लोब जो है अलग अलग एक्सिस के थ्रू है, अलोंग अलग अलग एक्सिस के थ्रू, एक्स वाई एंड जेड, जैसे देखो ये जो पी एक्स वाला देखो, इसमें ये देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और कौन सी एक्सिस दिख रही है, जेड, ओरिजिन के इधर एक्स एक्सिस से उधर भी कौन सी एक्सिस होगी, तो ये लोब जो दिख रहा है पी वाला वो कौन से एक्सिस के अलोंग दिख रहा है, एक्स के, एक्स एक्सिस के अलोंग दिख रहा है, इसलिए ऑर्बिटल का नाम क्या है, पी एक्स, समझ में आया। वैसे ही यहाँ पे देखो पी वाई में ये जो लोब दिख रहे हैं वो कौन से एक्सिस के अलोंग है, इसलिए ऑर्बिटल का नाम क्या है, समझ में आया, जो लोब जिस एक्सिस के अलोंग है उस एक्सिस का नाम वो डाल दिया है, उस ऑर्बिटल का नाम वो दिया है, समझ में आया। पी जेड में भी वैसा ही, देखो जेड एक्सिस के अलोंग उसके लोब है, ये जेड एक्सिस है, ये एक लोब ऊपर और एक लोब नीचे, दोनों जेड एक्सिस के अलोंग है, इसलिए ऑर्बिटल का नाम क्या है, पी जेड, समझ में आया तुमको, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब टाइम देखो तो कितना हो रहा है, समझ लग रहा है कि पूरा पढ़ा के हो जाएंगे मेरा, ठीक है, तो हम पढ़ लेते, कोई बात नहीं। तो शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल कल तुमको मैं एनिमेशन दिखाऊंगी, अब हम देखते हैं शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। तो ये भी सेम टू सेम पी जैसा ही लगभग दिख रहा है, ठीक है, लेकिन पी में क्या था, सिर्फ और सिर्फ कितने लोब दिख रहे थे, दो, यहाँ पे कितने लोब है, चार लोब है, ठीक है। तो देखो देयर आर फाइव ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद डी सबशेल, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, पांच, पी में कितने थे, तीन प्रकार के थे, एक्स वाई पी एक्स पी वाई और पी जेड, जो जो एक्सिस के अलोंग रहेंगे वो उसका नाम, और डी में कितने प्रकार के हैं, पांच प्रकार के, एफ वाले डिटेल में तुमको नहीं दिया है, सिर्फ डी दिया है खत्म, ठीक है, डी तक ही दिया है, तो तुमको कम दिया है ना सिलेबस में, हमारे समय पूरा दिया, पूरा पढ़ो, ठीक है। तो देखो डी पांच प्रकार के ऑर्बिटल्स होते हैं, और पांच प्रकार के ऑर्बिटल का डिजाइनेशन भी बता दिया है कि डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। क्या लगता है ये नाम क्यों दिया होगा, ऐसे ही दिया होगा क्या, एक्स वाई रखने का मन कर दे रहा है तो रख देता हूँ, पहले जो क्लू था ना सेम टू सेम वही क्लू है, समझ में आया, सेम टू सेम वही क्लू है। देखो क्या बोल रहा है, फाइव डी ऑर्बिटल आर इक्विवेलेंट एनर्जी, पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी रहेंगी, इक्विवेलेंट सेम रहेगी, ठीक है। और देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट थ्री डी ऑर्बिटल एंड डम्बल शेप इन एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड प्लेन, देखो तुमको दिख रहा है ये जो प्लेन दिख रहा है, ये दिख रहा है ना प्लेन, ठीक है,
डी एक्स वाई वाला दिखा रही हूँ, ये प्लेन दिख रहा है तुमको, कौन से एक्सिस है इस प्लेन में? देखो दो ही प्रकार के एक्सिस है, एक एक्स है और एक, और ये दोनों एक्स एक्सिस के बीच में ही, दोनों एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ही क्या है यहाँ पे, ऑर्बिटल्स के लोब है, इसलिए नाम क्या रखा है, डी एक्स वाई, ठीक है। जिस प्लेन में ये ऑर्बिटल्स है ठीक है, उसका नाम वही रखा है डी एक्स वाई। ये कौन से प्लेन में है, एक्स जेड में, देखो ये जेड एक्सिस दिख रहा है और ये एक्स एक्सिस, वाई तो इधर बीच में से जा रहा है, उसका कोई काम है क्या? तो ये जो ऑर्बिटल्स है वो दो प्लेन में आ रहे हैं, एक एक्स में आ रहा है और एक वाई में के बीच में आ रहे हैं ना, देखो एक्स वाई के बीच में दिख रहा है, ये भी एक्स है और ये वाई एक्स वाई के बीच में दिख रहा है, ये भी एक्स है और वाई एक्स वाई के बीच में एक लोब दिख रहा है, ये भी एक्स वाई एक्स वाई के बीच में एक लोब दिख रहा है, यानी हर एक ऑर्बिटल एक्स वाई प्लेन के बीच में है, इसलिए नाम क्या है, डी एक्स जेड। समझ में आया? वैसे ही क्या है, डी वाई जेड। यहाँ पे भी देखो वाई और जेड एक्सिस के बीच में ही क्या दिख रहे हैं तुमको, लोब दिख रहे हैं, एक्स वाला तो बीच में से जा रहा है, दिख रहा है बीच में से जाते हुए, इसलिए इसका नाम क्या लिखा है, डी वाई जेड, ठीक है। और जी जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्यों दिया है ये भी देख लो, जी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्यों दिया है, देखो ये जो दो लोब दिख रहे हैं तुमको, दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग दिख रहे हैं, और ये दो लोब कहाँ से दिख रहे हैं, वाई एक्सिस के अलोंग दिख रहे हैं, तो दो एक्स एक्सिस के इसलिए डी एक्स स्क्वायर, और दो वाई एक्सिस के अलोंग है इसलिए डी वाई स्क्वायर, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर माइनस की साइन क्यों दिए वो मैं तुमको बाद में बताऊंगी, ठीक है। ये अब डी जेड स्क्वायर वाला समझो, ये भी किसके अलोंग है, सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस के अलोंग है, इसलिए डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल का शेप समझा, फर्स्ट थ्री डी ऑर्बिटल आर डम्बल शेप, ठीक है, और एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड प्लेन में ये तीन ऑर्बिटल, और ये जो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ऑल्सो डम्बल शेप, लाइज अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, और ये लाइ अलोंग एक्स और वाई एक्सिस के थ्रू है, देखो अलोंग में आ रहा है ना, यहाँ पे अलोंग में आ रहे थे क्या, लाइन के ऊपर आ रहे थे क्या, लोग बीच में आ रहे थे, लेकिन ये कैसे है, एक्सिस के अलोंग है, इसलिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। और डी स्क्वायर इज डम्बल शेप विथ डफ नॉट शेप रिंग, देखो डफ नॉट शेप रिंग इसको बोलते हैं, ठीक है, इन एक्स वाई प्लेन, ये जो रिंग है वो एक्स वाई प्लेन के थ्रू है, और ये जो लोब है वो कहाँ है, जेड के अलोंग है, इसलिए क्या नाम रखा है, डी जेड स्क्वायर। समझ में आए, पांच ऑर्बिटल डी के, शेप अच्छे मस्त जबरदस्त, ठीक है। कल मैं तुमको क्या दिखाऊंगी इसका रिलेटेड एनिमेशन, तो ये हो गया रहा है, दो कल पढ़ेंगे, ठीक है। आगे का और इंटरेस्टिंग पार्ट है कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ये क्वांटम नंबर समझे तुमको चारों, मैं कल आते बराबर पूछूंगी कौन सा क्वांटम नंबर को किस सिंबल से दिखाते हैं, कितने शब सेल्स है और कितने ऑर्बिटल्स है और कौन किसका शेप कैसा है, समझ में आया, और तुम्हारा वो रीजन भी बताऊंगी, ठीक है।